अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बनाएंगे आंध्रा स्टाइल में बैंगन का सालन। ये बहुत मज़े का बनता है। इसके लिए चाहिए होगा फ्रेश बैंगन, ले आधा किलो बैंगन ले, इसको बीच में से कट लगा लें चारों तरफ से, और बैंगन को काटकर नमक के पानी में डाल लीजिएगा। अगर नमक के पानी में बैंगन ना हो तो बैंगन कसाले हो जाएंगे। इसके लिए हमने लिया है टमाटो, 4 से 5 टमाटो को हमने दरदरा सा काट लिया है। 1 खाने का चम्मच हमने काली तिल ली है, तिल को हल्के से रोस्ट कर लिया है। 1 खाने का चम्मच सूखा खोपरा, 1 खाने का चम्मच इमली, 8 से 10 लहसुन के जुए, 1/2 टेबल स्पून नमक, थोड़ी सी हल्दी, 1 खाने का चम्मच हमने फली के बीन्स को रोस्ट कर लिया है। रोस्ट करके हमने इसके छिलके उतार ली है, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टेबल स्पून राई, 3 से 4 साबित लाल मिर्च को हमने बीच में से तोड़ लिया है, थोड़ा सा कड़ी पत्ता, बारीक कटी हुई प्याज, और इसमें हम आखिर में डालेंगे ज़ीरा मेथी का पाउडर, क्योंकि इससे सालन का टेस्ट दुगना हो जाएगा और खुशबू भी बहुत अच्छी आने लगेगी। बैंगन को और तड़के के चीज़ों को साइड में रखेंगे हम, इन दोनों चीज़ों को। बाकी के सब चीज़ों को हम इसका बारीक सा पेस्ट कर लेंगे। 1 मिक्सी का जार लेंगे, मिक्सी के जार में हम डाल देंगे फली के बीन्स, इसको अच्छी तरह से रोस्ट करके हमने इसके छिलके उतार लिया है, काली तिल, भुनी हुई लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, खोपरा पाउडर, आप चाहे तो कच्चा नारियल भी डाल सकते हो, लहसुन, टमाटर, इमली। इमली को हमने 10-15 मिनट के लिए इसको भिगो के रख ली थी। इमली इसमें हम डालेंगे ज़ीरा मेथी का पाउडर। ज़ीरा और मेथी को हमने भूनकर इसका बारीक सा पाउडर कर लिया है, ये भी इसमें डाल देंगे। इसके साथ ही हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। थोड़ा सा पानी डालकर हम एकदम बारीक सा पेस्ट करेंगे। आप देख सकते हो हमने एकदम बारीक सा पेस्ट कर लिया है। अब इस मसाले को एक बाउल में निकालेंगे। अब एक प्लेट ले लेंगे और बैंगन को भी साइड में रख लेंगे। बैंगन को पानी में से अच्छी तरह से निचोड़ कर हम इसमें मसाला भर देंगे। इसी तरह से हम सारे बैंगन को मसाला भर देंगे। इस बैंगन के सालन में थोड़ा इमली ज़्यादा डलती है और ये खटा खटा सालन बहुत मज़े का बनता है। ये सालन मेरा फेवरेट सालन है, मुझे बहुत पसंद है ये सालन। आप इसको सादे चावल के साथ भी खा सकते हो, रोटी के साथ भी खा सकते हो, बहुत मज़े का बनता है। बैंगन को सारे अंदर मसाला इसका भर लिया है। अब एक प्रेशर कुकर लेंगे। प्रेशर कुकर में 2 से 3 खाने के चम्मच तेल डालें। इस सालन में तेल ज़्यादा डलता है तभी ये मज़ा बनता है। तेल को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब इसमें हम तड़का देंगे। बारीक कटी हुई प्याज, राई, कड़ी पत्ता, साबित लाल मिर्च, इन सब को अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। ये हल्के से गोल्डन होने लगे तब तक हम इसकी भुनाई करेंगे। ये अच्छी तरह से भुन चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे बैंगन। बैंगन की भी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। अब इस पर हम डाल देंगे हल्दी और नमक। हम बैंगनों को ऑयल में 1 से 2 मिनट अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। आप देख सकते हो बैंगन कितनी अच्छी तरह से भुन चुके हैं। अब इसमें हम डाल देंगे बाकी का मसाला। जो भी बचा हुआ मसाला था वो भी हम इसी में डाल देंगे। डालकर इसको अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। आप इस वक्त नमक और मिर्च चक्कर डाल सकते हो। मिर्च थोड़ी कम लगी तो मैंने थोड़ी सी डाल ली है। आप स्पाइस खाते हैं तो मिर्ची डालें, अगर वरना स्पाइस थोड़ा कम खाते हैं तो मिर्ची ना डालें।
हम थोड़ा स्पाइसी खाते हैं इसलिए मैंने थोड़ी सी मिर्ची डाली है, क्वार्टर स्पून। अब इसको अच्छी तरह से भुनाई करेंगे, इतनी भुनाई करेंगे कि तेल उसका साइडों से छूटने लगे, तब तक हम इसकी भुनाई करेंगे और मसाले के जो भी कच्चा बू है वो ख़त्म हो जाए। मसाला अच्छी तरह से भुनना शुरू हो चुका है, अब फिर हम इसको एक दो बार चम्मच चलाएंगे। मसाले की भुनाई करने में 2 से 3 मिनट लगेंगे। जितना अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे सालन उतना मज़ेदार रहेगा। मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है, अब इसमें हम पानी डालेंगे 1 गिलास जितना। पानी डालकर अब इसको हम कैप लगा देंगे, बस 1 से 2 विजिल आने देंगे। तीन विजिल आ चुके हैं, आप देख सकते हैं हमारा सालन बैगन का बिल्कुल रेडी हो चुका है। तेल की तरी भी ऊपर आ चुकी है, बैगन का सालन अब डन है। अब इसको एक बाउल में हम निकालेंगे। आंध्रा स्टाइल का बैगन का सालन में थोड़ी इमली ज़्यादा डलती है, बहुत ही मज़े का होता है ये। अब थोड़े हरे धनिया से गार्निश करें। आंध्रा स्टाइल का बैगन का सालन की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। नए वीडियो के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हो। अल्लाह हाफिज़।